एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, यानी कि कैपेसिटेंस नहीं लेना। तो एक आर ले लिया, एक एल ले लिया, कुछ नहीं करना, पिछले आरसीएल में से या एलसीआर में से सी हटा दो, तो सी हटेगा तो वीसी हट गया, क्या बचा, वीएल बचा और वीआर बचा, तो नेट वोल्टेज क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ वीएल स्क्वायर पर वीआर स्क्वायर, बस वीसी हटा दो। नेट जेड की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, एक्स ही हटा दो। तो जो आपने फॉर्मूलाज अभी तक किए थे उसमें से एक्स सी और वी सी हटा दो आंसर। और ऐसे ही ए सी सर्किट कंटेनिंग आर एंड सी, तो इस बार इंडक्टेंस हटा दो, क्योंकि इस बार वी सी और वी आर दो टर्म्स हैं, तो डायग्राम ऊपर नहीं बनेगा, डायग्राम नीचे बनेगा, क्यों, क्योंकि वी सी नीचे और वी आर ऊपर है। तो नेट वोल्टेज क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, और टेन फाइव क्या आएगा, टेन फाइव वी सी डिवाइडेड बाय वी आर, लेकिन डायग्राम ऊपर की बजाय कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?